हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर लेकर आई हूँ मैं बहुत ही टेस्टी सी एक नई रेसिपी। तो पालक पनीर की सब्जी, तो ये खाने में इतनी टेस्टी है तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ इसे ही खाएंगे, इसे ही खाना पसंद करेंगे। तो इसे हेल्दी सी टेस्टी सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पालक ले लिया है, 2 गुट्टी पालक लिया है मैंने, और इसे 5-6 बार धो लिया था। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, तो इससे कलर अच्छा आएगा सब पालक का जब बॉईल करेंगे। तो आधा ग्लास पानी डाल दिया है, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक उबलते टाइम वैसे भी काफ़ी पानी छोड़ देता है। तो अब इस एक कुकर को बंद करके हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसे 3-4 विसल आने तक उबाल लेंगे। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसी बीच में हम चौक की तैयारी कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसमें 2 प्याज डाल देंगे मोटे कटे हुए, यानी रफली चॉप कर दिया है मैंने प्याज को। और इसमें 3 टमाटर रफली चॉप किए हुए डाल देंगे और फिर इसे 5 मिनट भून लेंगे। और इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और फिर इसे 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स इसे। और फिर इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे। तो अब मैं जार में डाल रही हूँ इसे और इसे पीस लेंगे। और ऐसा करने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैं पीस लेती हूँ, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन पेस्ट रेडी है। तो अब इसे हम तड़का लगाएंगे और पालक हमारा उबल रहा है तो इसी बीच में हम तड़का लगा लेते हैं। और 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे और 1/4 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। ऑयल को तेज़ गर्म करके हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे को चटकने के बाद इसमें हम जो हमने मसाला पीसा था ना टमाटर प्याज का, वो ऐड कर देंगे और इसे पका लेंगे 5 मिनट तक। और कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, इससे सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं रहेगा। और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे क्योंकि नमक हमने पहले ऐड कर लिया था। तो सब्ज़ी मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और ऑयल छोड़ने तक इसे पका लेंगे। तो इसी बीच में पालक हमारा उबल चुका है। तो पालक को उबलने के बाद इसे मिक्सर में पीस लेंगे और थोड़ा बहुत जो पानी बचता है उसे हम ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्ज़ी थिक लगे तो इसे सब्जी में डाल सकते हैं, जब हम पालक डालेंगे तब हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो पालक अब बिल्कुल पीस चुका है, बिल्कुल फाइन पीस लेना है पालक को। और पालक पीसने के बाद जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसमें इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। और अगर पानी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पनीर ऐड कर देंगे, ये 100 ग्राम पनीर लिया है मैंने। तो 100 ग्राम पनीर टुकड़ों में काट कर इसमें ऐड कर देंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही हम 2-3 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। और अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, इससे सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में और अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी अब रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी और टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।